हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गीता, आपका अपने चैनल क्रिएटिव मदर में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रवा यानी कि सूजी से बने स्वादिष्ट मोदक की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। और इसका भोग आप पप्पा को ज़रूर लगाइए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें डालेंगे हम 1/4 कप देसी घी। आप चाहें तो इसे बटर या तेल से भी बना सकते हैं। तो घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी है। अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनना है। सूजी को रोस्ट करते समय कभी भी गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना हमारी जो सूजी है वो जल जाएगी और उसका कलर भी डार्क हो जाएगा। मोदक को हमें लाइट कलर में बनाना है, तो जो देखने में भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी को हल्का भून लिया। 4 चम्मच यहाँ पर फ्रेश मलाई दूध की डाली है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पर दूध भी डाल सकते हैं 1 कप, लेकिन मैं यहाँ मलाई का यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से सूजी को साइड में रख देंगे। अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैं 3/4 कटोरी चीनी का डाल रही हूँ और 1/2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही उबाल आएगा हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट बाद ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये आपको दिखा देती हूँ मैं चेक करके। इस तरीके की चिपचिपी होनी चाहिए, पूरी तार ना बने लेकिन चिपचिपी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम सूजी में ऐड कर देंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि गुठली वगैरह ना पड़े। जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे ये गाढ़ा होने लग जाएगा मिक्सचर, और कुछ सेकंड बाद ये पैन भी छोड़ने लग जाएगा। इस तरीके से सूजी एकदम से चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगी। जैसे ये डो फॉर्म में आएगा हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब गुलकंद ले लिया है कटोरी में। आप चाहें तो मिल्क पाउडर या फिर मावे की स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो गुलकंद के अंदर मैं 2 चम्मच कटे हुए बादाम डाल रही हूँ, इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैं 2 चम्मच इसमें नारियल का बुरादा डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं इलायची वगैरह का कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुलकंद में अपना ही एक फ्लेवर होता है, इसे साइड में रखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर था वो बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो हम इसके मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड के भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सूजी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इस तरीके से डाल के साइडों में उसको दबा देंगे और बीच में हमें होल रखना है। स्टफिंग की एक छोटी सी बॉल बनाकर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। बॉल को इंसर्ट करने के बाद हम ऊपर से भी इसे सील करना है हमें। तो यहाँ पर सूजी का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और ऊपर से इस तरीके से इसे बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा जो हमारा मिक्सचर है वो हटा देंगे हम इस तरीके से। अब इसे हम ओपन कर लेंगे, मोदक को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मोदक बनकर तैयार है। मोल्ड को हमने ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस किया था जिसकी वजह से ये आसानी से बाहर निकल जाता है। इसे रखेंगे साइड में। तो ये देखिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो चलिए बिना मोल्ड का बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से हम उसे फ्लैट कर लेंगे और इसके बीच में रखेंगे हम स्टफिंग की बॉल और उसे कवर कर लेंगे। पहले इसे बॉल की शेप देंगे, उसके बाद हम मोदक की शेप देंगे इस तरीके से राउंड एंड राउंड घुमाते हुए। तो ये देखिए मोदक की शेप दे दी है इसे मैंने। अब किसी स्पून या नाइफ की सहायता से इस तरीके से हम लाइंस बनाएंगे। इक्वल डिस्टेंस पे हमें लाइंस बनाने हैं और राउंड एंड राउंड
घुमाते हुए हमें इसे खत्म करना है। तो हल्के हाथों से करना है ये हमें। तो ये देखिए बिना मोल्ड का मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप बिना मोल्ड के भी इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे मोदक तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे ही मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए पिस्ते रखे हैं, इन्हें मैं लगा दे रही हूँ। आप अपनी मनपसंद से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें लगा दिया है और डेकोरेट कर लिए है। आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।